हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका दुर्गा पूजा के पार्ट टू वीडियो में। और सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हाउसिंग कल्याणपुर। सो गाइस, हाउसिंग कल्याणपुर में तीन पंडाल होता है टोटल, उसमें से पहला एक ये है, ठीक है, इसको आप लोग देखिए। फिर अभी और दो पंडाल विजिट करेंगे हाउसिंग में। सो गाइस, चलिए वीडियो में बने रहिएगा। ये गाइस एक भूत का थीम में बना हुआ है, सामने भूतों का देवता या भूतों का राजा समझ सकते हैं जो है, और उसके अंदर पंडाल है। सब अच्छा ही थीम है, ठीक ठाक सा पंडाल मुझे लग रहा है ये, ठीक है, नॉर्मल सा है। मतलब यहाँ पे इससे भी अच्छा होता है, पर इस साल मतलब ठीक ठाक सा है बोल सकते हैं एवरेज। ये साइड साइड भी बहुत अच्छा से बनाया गया है, तो सही है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ देखने के लिए। और गाइस, यहाँ माँ दुर्गा का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, जो लोग नहीं आ सकते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से माँ दुर्गा का दर्शन कर लीजिए। सो गाइस, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। इसमें तो उतना कुछ खास था नहीं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल, देखते हैं कैसा है। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं दूसरे पंडाल में, हाउसिंग के दूसरा नंबर पंडाल में। सो गाइस, यहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है थीम। ऐसे तो देखने में छोटा सा पंडाल ये लग रहा है, पर चलिए जाकर देखते हैं क्या थीम है। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं पंखा, हाथ से हाँकने वाला जो पंखा होता है वो पंडाल के साइड साइड लगा हुआ है। और पूरा पंडाल को देखने से मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को दिखाया गया है, ग्रामीण में लोग रहते कैसे हैं, ठीक है, किस प्रकार मतलब घर बना कर रखते हैं बिचाली का, उसी प्रकार ये पीछे बना हुआ है। तो आपको अभी दिखाएंगे, ये देख लीजिए। सो गाइस, ये देख रहे हैं, ये मतलब ग्रामीण परिवेश को यहाँ पे दर्शाया गया है, जो काफ़ी सही है। और यहाँ कुछ भीड़ भी ज़्यादा है, अब देख रहे हैं ऊपर में तो मतलब सेलिंग बहुत ही अच्छा है इनका, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, आपको जूम करके हम दिखाएंगे। तो ये देखिए साइड साइड आपका सूप बोलते हैं ना, उसका भी ये पूरा ये किया हुआ है, सूप है, चटाई, लकड़ी, मतलब ये सब मिलाकर। देखिए गाइस, ऊपर का ये झूमर के जगह देखिए क्या दिया हुआ है, मस्त लग रहा है। देखिए गाइस, सामने से आप देख लीजिए। तो गाइस, ये देख रहे हैं, ये भी बिचाली खोसा हुआ है ऊपर में, मतलब गजब लग रहा है, गजब, कहाँ से दिमाग लाते हैं क्या पता। काफ़ी सही लगा मुझे ये पंडाल। आप लोग को ये पंडाल कैसा लगा कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। मतलब बहुत अच्छा मुझे ये पंडाल लगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं थर्ड नंबर पंडाल में, और मुझे लगता है कि ये यहाँ का सबसे बेस्ट पंडाल है, तीनों में से सबसे बेस्ट पंडाल है। क्योंकि गाइस, ये बाहर से ही मुझे देखकर ये लग रहा है ये कुछ ममी बेस्ड होने वाला है, इजिप्ट में जो ये ममीज लोग का होता है वही, उसी पे ये बना हुआ है, देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ पर तो भाई साहब भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, मतलब लाइन लगाना पड़ गया मुझे यहाँ थोड़ा देर, ठीक है, जबकि आज षष्ठी है गाइस, तो सोच सकते हैं अठवीं नवमी को क्या होगा यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, फिर भी हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि अंदर में किस प्रकार का सीन है। पूरा इजिप्ट कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, इजिप्ट में जो ममी लोग, ममी जिसको बोला जाता था, जो इसको राजा लोग को मतलब एक गाड़ कर एक घर में रखा जाता था, उसी टाइप का ये थीम है, देख सकते हैं आप। I'm not the one who's running out of time।
ये देख सकते हैं सब, ये सोना। सो गाइस ये देख सकते हैं सोना जेवरात ये सब रखा हुआ है, सोना चांदी हीरा ये सब देखिए मतलब रखा हुआ है कि मतलब पूरा इजिप्ट को यहाँ पे दर्शाया गया, मतलब काफ़ी सही है। मुझे ये कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा लगा, मतलब सही है भाई, सही है। तभी तो भीड़ है भाई। और गाइस दुर्गा माता देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, मतलब दुर्गा माता भी उसी तरह है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पंडाल। आप लोग ज़रूर आइए गाइस और कमेंट ज़रूर से करिएगा कि ये पंडाल आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस ये पंडाल आप लोगों को कैसा लगा बताइए कमेंट कर जरूर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है चांदमारी, ठीक है। चांदमारी चलते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या बना हुआ है। तो चलिए एक ही बार अब वहाँ जाकर मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं चांदमारी और ये है हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे घर। सो गाइस ये देख लीजिए पंडाल, ये काफ़ी खूबसूरत पंडाल ये लग रहा है। ये देखने में साउथ का तिरुपति बालाजी मंदिर जैसा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर ये पंडाल कैसा लगा। और इसके अंदर में भी मतलब ठीक ठाक सा बना हुआ है गाइस, मतलब अंदर भी अच्छा व्यूज़ है। तो देख सकते हैं ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे। तो चांदमारी में भी इस बार अच्छा पंडाल बना है गाइस, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आ सकते हैं देखने के लिए, देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा बताइए ज़रूर कमेंट करके, ठीक है। तब तक के लिए बाय और टाटा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।